सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी इमेज के ऊपर ट्रांसपेरेंट कलर ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसपेरेंट कलर ऑप्शन होता क्या है, मतलब क्या यूज है इसका किसी इमेज के ऊपर। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये इमेज है। तो अगर हमें यहां पर हम ट्रांसपेरेंट कलर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी भी एक कलर को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो कलर, मतलब जितने भी बैकग्राउंड में वो कलर है वो एक जैसा कलर होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो शर्ट मैंने पहनी हुई है ब्लू कलर की है, लेकिन ये सिर्फ ब्लू कलर नहीं है, इसमें ब्लू कलर के हजारों शेड्स हैं। ठीक है, तो अगर आप इस पर इस्तेमाल करेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत छोटे से हिस्से को ये ट्रांसपेरेंट कर पाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड में येलो कलर है ये एक जैसा कलर है, इसमें कहीं पर भी मतलब कम या ज्यादा या उतार चढ़ाव नहीं है कलर में। तो अगर हम ट्रांसपेरेंट कलर ऑप्शन का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे तो ये पूरा बैकग्राउंड हट जाएगा, अभी जब यूज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं, सिंपल उस इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए जहां पर आप ये ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं। तो बीच में हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे इमेज चारों तरफ से सेलेक्ट हो गई। ठीक, फिर ऊपर हमें नया टैब मिलता है, फॉर्मेट टैब। ये टैब आपको तभी दिखाई पड़ेगा जब आप इमेज सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन हटा देंगे तो ये टैब दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस पर हमने क्लिक कर दिया तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको जाना है कलर पे। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ देखिए यह है कलर का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए तो फिर से नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको जाना है सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे, ये रहा वो ऑप्शन। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेन जैसा बन करके आ जाएगा, ये देखिए पेन जैसा बन करके आ रहा है। अब जैसे ही हम इस येलो कलर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा येलो कलर हट जाएगा। ठीक है, सिर्फ इमेज आपको दिखाई पड़ेगी, ये देखिए। ठीक है, मतलब जो कलर, जिस कलर पर हमने क्लिक किया वो हटा नहीं, बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इमेज सिर्फ आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है। ठीक है, लेकिन फिर मैं बता दूं कि वही कलर हटेगा जो पूरा एक जैसा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं शर्ट पर अप्लाई करूंगा तो बहुत छोटा सा हिस्सा मतलब हटेगा, क्योंकि इसमें ब्लू कलर के कई सारे शेड्स हैं। ठीक है,